इस वक्त की बड़ी खबर, खंडवा से आतंकी फैजान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएम का आतंकी फैजान को लेकर आईजी एटीएस डॉक्टर आशीष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंकी फैजान बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था, कश्मीर और आतंकी से जुड़े स्लोगन्स लिखकर बच्चों को पढ़ाता था फैजान। कई अधिकारियों के फैमिली के फोटो फैजान के मोबाइल में मिले हैं। आतंकी रकीब से मिलने के लिए वेस्ट बंगाल जेल में गया था। यूट्यूब से बम बनाने की तरकीब भी देखता था फैजान। तो आतंकी फैजान को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आइए, ये आतंकी फैजान बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था, इसकी कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। खबर को विस्तार देंगे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ उस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए फैजान के बारे में नया खुलासा हुआ है कि बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। आखिर आतंकी फैजान इस देश में क्या करना चाह रहा था? क्या कोई बड़ा अपडेट मिला है एसटीएफ की ओर से उसमें, उससे पूछताछ में, और क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं? गौरव, देखिए बिल्कुल फैजान की गिरफ्तारी के बाद उसे 5 दिन की रिमांड ली गई थी और इस 5 दिन की पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं। मामले की जब जांच की गई तो इसमें ये बात निकलकर सामने आई कि लोन वुल्फ अटैक के मूड में ये था और किसी भी जगह पर कहीं भी ये अकेला किसी भी समय पर हमला कर सकता था। कई सारे अधिकारियों के परिवार के फोटो भी इसके मोबाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये चीज निकलकर सामने आई है कि बच्चों को ये बच्चों के सामने जाकर ये अलग अलग तरीके के स्लोगन्स दिखाता था और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें देश के खिलाफ भड़का रहा था। इन स्लोगन्स में कश्मीर जैसे मुद्दे भी शामिल थे, तो इसके साथ ही साथ देश को लेकर भी कई सारे स्लोगन्स इसमें ये लिखा करता था। इतना ही नहीं, पूरी जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि कई सारे आतंकी संगठन जो देश के बाहर काम कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करने की इसने कोशिश की थी। कई सारे ऐसे आतंकी संगठनों के नंबर इसने नेट पर सर्च किए थे और उनमें से किसी एक आतंकी संगठन से इसका संपर्क भी हुआ था। और इस चीज को लेकर भी जो है इस वक्त एटीएस जांच कर रही है कि आखिर कौन सा आतंकी संगठन से इसका संपर्क हुआ और किस आतंकी से इसकी। लेकिन गौरव, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरा शुरुआत से बताएं दर्शकों को, लिहाज से दरअसल आतंकी फैजान और इसके जो आसपास इसके जो सहयोगी थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? क्या दरअसल देश में करना चाहते थे? खंडवा में कब से रह रहा था, कहां से आया था, किसके मकान में रह रहा था? इसके पास एक पिस्टल भी मिली है, वो पिस्टल कहां से आई? क्या मकान मालिक को इसके बारे में पता था या नहीं पता था? एक बार शुरुआत से आप खबर की टाइमलाइन के साथ दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग खंडवा, ये निमाड़ का वो क्षेत्र है जहां पे कई सारे आतंकियों से संबंधित लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक साल पहले पश्चिम बंगाल की एटीएस ने रकीब नाम के एक शख्स को इसी जगह से गिरफ्तार किया था जो इसके संपर्क में था। रकीब को जब पश्चिम बंगाल की एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद फैजान उससे मिलने के लिए भी पश्चिम बंगाल गया था और वहां पर भी इससे जानकारी की पूछताछ की गई थी। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। अब फैजान जो है वो आतंकी संगठनों ने काफी ज्यादा मोटिवेटेड था। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी आतंकी गतिविधि में लोन वुल्फ अटैक, यानी एक ऐसा हमला जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से मोटिवेटेड होता है और अकेला ही किसी भी जगह पर हमला करता है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। मध्य प्रदेश में अब तक किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो इस तरीके के हमले को प्लान कर रहा हो। अब जब फैजान गिरफ्तार हुआ था तो उसके जो मॉडल सप्रेंडी थी वो जब एटीएस ने देखी तो एटीएस भी हैरान थी, क्योंकि इस तरीके का पहला कोई शख्स मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ था जो अकेला ही किसी जगह पर जाकर लोगों पर हमला करता है। क्योंकि इस तरह के हमले हम विदेशों में देखते हैं, मध्य प्रदेश के भारत के त्रावणकोर में कुछ समय पहले एक ऐसा ही हमला देखने को मिला था। अब जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके बाद इसकी जानकारी खंगाली गई, क्योंकि जब ये रकीब से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल गया था उस दौरान पश्चिम बंगाल की एटीएस तो इस पर नजर रखी हुई थी, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश की एटीएस भी काफी लंबे समय से इस पर नजर रखी हुई थी। जब एटीएस ने इसे यहां से गिरफ्तार किया तो उसके पास से कई सारे आईएस से संबंधित दस्तावेज मिले, इसके अलावा हथियार इसके पास से मिले, पिस्टल इसके पास से मिली, कई सारे स्लोगन्स के इसके पास से पैम्पलेट्स मिले। जांच की गई तो पता लगा कि ये बच्चों को वहां पे भड़काया करता था, उनका ब्रेन वॉश किया करता था, यूट्यूब पर बम बनाने के ये तरकीबें देखा करता था। कई बार इसने बम बनाने की कोशिश भी की है। अब इसने जब बम बनाने की कोशिश की, सारे बच्चों को यहाँ पे ब्रेन वॉश करा था, तो उसी के बीच में ये आतंकी संगठनों से संपर्क करने की भी कोशिश लगातार कर रहा।
रहा था। हालांकि ये जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है कि एक बड़े आतंकी संगठन से इसका संपर्क भी हुआ है। किस आतंकी संगठन से इसका संपर्क हुआ, किस आतंकी से बात की गई, इसकी जांच में इस वक्त एटीएस जो है जांच में जुटी हुई है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस और एटीएस का भी साफ तौर पर कहना है, जो हमसे अनऑफिशियली बात हुई है कि जो लोन वुल्फ अटैक होता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी आतंकी संगठन से मोटिवेटेड होता है, उनसे संपर्क कर सकता है और अकेला ही किसी भी जगह पर जाकर अगर वो हमला करता है तो उसकी जानकारी इंटेलिजेंस तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल होती है। ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त मध्यप्रदेश एटीएस और इंटेलिजेंस के सामने निकलकर सामने आया है। अब ऐसे में यहाँ पे जिन लोगों के संपर्क में था उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फैजान को गिरफ्तार किया गया था तो उसके साथ करीब 5 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, और उसमें से एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया था। उससे भी लगातार 5-6 दिन तक पूछताछ की गई है और जब उससे पूछताछ में कुछ भी सामने नहीं आया तो उसको भी अब हो सकता है कि जल्दी छोड़ा जाए। लेकिन अगर हम फैजान की बात करें तो फैजान से हुई पूछताछ में अब तक जो सामने बातें आई हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो कोई नेटवर्क कहीं खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। अब ये आतंकी हमला किसको लेकर था ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कई सारे ऐसे अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, आर्मी के, जिनके फोटोज इसके मोबाइल में से मिले हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि सिक्योरिटीज एजेंसी और जो सिक्योरिटीज में लगे जवान होते हैं उनके ऊपर ये हमला करने की कोई साजिश रच रहा था। अब ऐसे में पुलिस और एटीएस इस बात में जुटी हुई है कि कहां कहां से ये लोगों के संपर्क में आया, जो पैम्फलेट ये छपवाता था, ऐसे कितने लोगों को इसने वो पैम्फलेट। एक बात तो बताइएगा, ये एटीएस की रडार पर कब से था, कब से एटीएस को इनपुट मिलना शुरू हो गया था आतंकी फैजान के बारे में? और दूसरा ये कि इसके फोन से कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फोटोज मिले हैं, वो फोटो इसने क्यों रख रखे थे, आखिरकार उनसे इसका क्या नाता था, अधिकारियों के साथ क्या करना चाहता था फैजान, और इसका इनपुट एटीएस को कब से मिल रहा था, कब से रडार पर था एटीएस की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे एक साल पहले रकीब की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही लगातार फैजान के ऊपर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो एटीएस थी वो भी लगातार इस पर नजर रख रही थी, तो मध्य प्रदेश की एटीएस भी लगातार इस पर नजर रख रही थी। जो भी ये सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, अपनी वेबसाइट पे सर्च कर रहा था, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, और जैसे ही इसके खिलाफ एटीएस को पुख्ता सबूत मिले, एटीएस ने इसके ठिकाने पर रेड की, इसके पास से जो तमाम दस्तावेज थे उसे जब्त किया, क्योंकि जब ये बच्चों के बीच में पहुंचता था, वहां पे बच्चों को मोटिवेट करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, तो वो सब बातें भी एटीएस के सामने, इंटेलिजेंस के सामने आई थी, और यही सब तथ्य थे जिसके आधार बनाते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जिस इलाके में ये रहता था वहां पे जिन बच्चों को ये ब्रेन वॉश करता था वहां के लोग भी इसकी इन हरकतों से वाकिफ थे, और यही वजह थी कि उसके खुद के क्षेत्र के लोगों ने इसका बॉयकट किया हुआ था। ज्यादा लोग एटीएस अभी इससे पूछताछ कर रही है और कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामने आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अब परसों यानी कि 10 तारीख को अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 10 जुलाई को यहां पर वोट डाले जाएंगे, कमलनाथ की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है, तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। अमरवाड़ा में इस बार लड़ाई कांटे की है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से कमलनाथ के गढ़ में फिर से कमल खिलाने की कोशिश की जा रही है, तो कमलनाथ को लोकसभा चुनावों की हार का बदला लेना है, लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी की ओर से कमलेश शाह मैदान में है, कांग्रेस की ओर से धीरन शाह इनवाती मैदान में है, तो जीजीपी के देवराबेन भलावी उनको टक्कर दे रहे हैं। कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर पिछले चुनाव में अमरवाड़ा से जीते थे, लेकिन वे कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उपचुनाव की नौबत आ गई। अब कांग्रेस ने यहां से आंचल कुंड के छोटे महाराज धीरन शाह को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को अमरवाड़ा रियासत का राजा कहा जाता है, तो धीरन शाह को छोटे महाराज कहा जाता है। कमलेश शाह के लिए जहां सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया है,
तो धीरन शाह के लिए कमलनाथ, नकुलनाथ और जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। देवराबेन भलाबी ने भी पूरा जोर लगाया। अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी बड़ी ताकत है। इस सीट के समीकरणों को समझे तो आदिवासी बहुल सीट है। 1951 से 2023 तक 14 बार चुनाव हुए। 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, सिर्फ 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीता, 1 बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत। 2003 में जीजीपी के मनमोहन शाह पट्टी चुनाव जीते थे। सीट पर हराई राजघराने का प्रभाव है। राजघराने का गोंड आदिवासियों के बीच काफी सम्मान है। कमलेश शाह लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से लीड मिली थी। 2,56,959 वोटर हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में विकास को मुद्दा बनाया और बीजेपी की ओर से कहा गया है कि उपचुनाव में जीत के बाद क्षेत्र का विकास होगा, तो कांग्रेस पार्टी यहां आस्था का हवाला देकर आदिवासी होटल्स को रिझाने की कोशिश में जुटी रही। कांग्रेस ने आंचल कुंड धाम के दादा सुखराम जी के परिवार से धीरेन शाह को टिकट दिया। इस दरबार से आदिवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी असर आदिवासियों में माना जाता है। इस बीच देखना होगा उपचुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा। टीम न्यूज इंडे। उज्जैन से बड़ी खबर है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर ठगी हो रही है। फूल प्रसादी बेचने वाले दुकानदारों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। भस्म आरती की परमिशन बनाने के नाम पर ठगी होती है। परमिशन के नाम पर श्रद्धालुओं से 5,600 रूपए नंदी हॉल में बैठने के नाम पर मांगे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर चौकी में शिकायत दर्ज करा दी है। मंदिर समिति ने पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग की है। भस्म आरती कराने वाले आरोपी की दुकान हटाई जाएगी, ऐसी बात सामने आई। देखिए किस तरह से महाकाल मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां पर दुनिया भर से लोग आस्था को लेकर आते हैं बाबा महाकाल की पूजा करने के लिए, और वहां पर ठगी हो रही है श्रद्धालुओं के साथ। नंदी हॉल में बैठने के 2,600 रूपए मांगे जाते हैं, भस्म आरती कराने के अलग से पैसे मांगे जाते हैं, और ऐसे में इसके चलते अब महाकाल मंदिर प्रशासन पर तमाम सारे सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उज्जैन का महाकाल मंदिर पूरे विश्व भर में आस्था का प्रतीक है। बालाघाट से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में इनामी नक्सली उकास उर्फ सोहन ढेर हो गया है। नक्सली उकास पर 14 लाख का इनाम था। हट्टा थाना क्षेत्र के कोटिया टोला के जंगल में मुठभेड़ हुई है। कान्हा भोरमदेव डिवीजन का बताया जा रहा है नक्सली उकबा चौकी में तैनात जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। बालाघाट से नक्सली उकास पर 14 लाख का इनाम था। हट्टा थाना क्षेत्र के कोटिया टोला के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। भोरमदेव डिवीजन का बताया जा रहा है नक्सली इसे ढेर कर दिया है। नक्सली मुठभेड़ मध्य प्रदेश में एक बार और हुई है और इसमें बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। इस वक्त हमारे साथ इंटेलिजेंस एडीजी जयदीप प्रसाद हम बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी सफलता आज मिली है, एक इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। किस तरीके का नक्सली था, कहां का, किस तरीके से एक्टिव था ये? मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रेरणा स्वरूप हमारे पुलिस बल में काफी उत्साह है, और अभी लगातार आपने देखा होगा 3 एनकाउंटर हुए, बड़े एनकाउंटर, एक दिसंबर में हुआ, एक अप्रैल में और एक आज हुआ, जिसके फलस्वरूप लगभग 50 लोगों को आउट ऑफ टर्न 2 बड़े गैदरिंग में हुआ, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बालाघाट में भी जाके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर आए हैं। और आज हट्टा थाना क्षेत्र जो कि बालाघाट में है, उसके जंगलों में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ, जिसमें कि 14 लाख का इनामी नक्सली सोहम उर्फ उकास मारा गया, जिस पर कि 3 स्टेट्स की पुलिस के द्वारा इनाम घोषित थे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 लाख, छत्तीसगढ़ से 5 लाख और महाराष्ट्र से 6 लाख का इनाम इस पर घोषित था, और इन तीनों स्टेट्स में ये एक्टिव था। हमारे स्टेट में इस पर 8 अपराध कायम थे, और ये कान्हा भोरमदेव दलम का सदस्य था और बहुत ही एक्टिव मेंबर के रूप में ये जाना जाता था, और खतरनाक नक्सली था। इसके पास से 315 बोर का एक बंदूक और एक बहुत ही एडवांस्ड केनवुड का वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है।
ये वायरलेस सेट की जैसे कि आपने बात करी है, बहुत हाईटेक भी रहता है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है, ये इनको सामग्री इस तरह की कहाँ से मिलती है, किस तरीके से मिलती है, फंडिंग कहाँ से आती है, इसको लेकर सर क्या नेटवर्क है, क्या उसको लेकर आप लोग अब तक कुछ कर पाए या कुछ इसके लिए कोई लीड मिल पाई है आपको? देखिए वायरलेस सेट कई तरीके से इनको उपलब्ध होता है, कई बार पुलिस इनकाउंटर में कुछ वायरलेस सेट इनको मिल जाते हैं, कई बार ये स्मगलिंग कर लेते हैं बाहर से, तो इनका एक बड़ा नेटवर्क है जिसको कि हम लगातार पिछले सालों में ध्वस्त करते आए हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में हम लोगों ने 19 एनकाउंटर किए और लगभग 4 करोड़ के नक्सली या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। कुछ ये अपुष्ट खबरों से ये भी मिला है कि नारकोटिक्स के भी स्मगलिंग से ये पैसा कमा लेते हैं। ड्रग्स नेटवर्क इस तरीके से कहा जा सकता है जी। साफ तौर पर देखा सकता है कि यहाँ जयदेव प्रसाद हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ड्रग्स को लेकर भी इनकी फंडिंग होती है और जो अन्य जो इनके स्रोत हैं फंडिंग के उसको तोड़ने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन जो आज नक्सली मारा गया है उस पर 14 लाख के आसपास का इनाम घोषित था और काफी ज्यादा सक्रिय इस क्षेत्र में था। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये कार्रवाई और भी जारी रहेगी, क्योंकि आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें और नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, लेकिन उनकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की।